हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमाहा की एक बहुत ही जबरदस्त एंड सबसे महंगी स्कूटर के बारे में, जिसका नाम है यमाहा एरोक्स 155। इस वीडियो में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड बात करेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, माइलेज कितना देती है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है एंड कोई अगर फाइनेंस वगैरह करवाता है तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना होगा एंड लास्ट में इसको खरीदने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में करते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके की दो चाबियां कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके दोनों ही साइड यहां पर कुछ इस तरीके से यमाहा का लोगो मिल जाता है एंड इसके की पोजीशनिंग को लॉक करने के लिए भी यहां पर एक सिस्टम दिया गया है, जो इसकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा एनहांस करता है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जिसपे बहुत सारे एरोडायनेमिक डिजाइन भी देखने को मिलते हैं। इसके वाइजर के ऊपर में यहाँ ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड दी गई है, जो की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके साइड वाइजर ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं, जिसके ऊपर में यहाँ ब्लू कोर की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसा कि इसमें ब्लू कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसमें ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ इसका फ्रंट पैनल दिया गया, जिसके जस्ट ऊपर में यमाहा का लोगो है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसके ग्लॉसी ग्रे फिनिश साइड पैनल पे एरोक्स की ब्रांडिंग दी गई है, जिसको हाईलाइट करने के लिए येलो कलर का ग्राफिक भी यूज किया गया है। यहाँ पर इसकी नंबर प्लेट रहने वाली है। इसके डिजाइन में काफी सारे एजेस है, जो इसके लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। यहाँ पर यमाहा की ब्रांडिंग दी गई है। इसकी लाइटनिंग सिस्टम की बात की जाए तो फ्रंट में 4 स्प्लिट DRLs दिए गए हैं, जो जलने पर कुछ इस तरीके का लुक देते हैं। इसमें नीचे हेलोजन बल्ब इंडिकेटर्स दिए गए, जो की बॉडी इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं एंड इसमें हैजार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी कई लोगों को ये लुक अच्छा लगेगा एंड कई लोगों को ये लुक बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। सो जिनको पसंद है वो लाइक करके बता सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो कमेंट में अपना रीजन दे सकते हैं कि उनको क्यों नहीं पसंद है। बाकी सेंटर में इसमें लो बीम मिल जाती है एंड साइड में इसमें हाई बीम दी गई है। इसमें सिटी पर्पज के लिए तो काफी अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है, बट जो ट्रिप वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं उनको अलग से लाइट लगवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स दिए गए 26mm डायमीटर के साथ, जो राइडर की राइड क्वालिटी को काफी ज्यादा सुपीरियर बना देते हैं। बट 100 kg से ज्यादा लोड पड़ने पर इसके सस्पेंशन थोड़े से अंदर चले जाते हैं, इसकी वजह से राइडर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हैवी ब्रेकर्स पे झटके महसूस हो सकते हैं। बट इसको अगर कोई सिंगल पर्सन राइड करता है तो वहां कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो फ्रंट में 230mm की डिस्क ब्रेक के साथ डिस्क ब्रेक दी गई है, जिसपे नाइफ्रन का यहाँ पर कैलिपर यूज किया गया है एंड इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। इसकी व्हील की बात की जाए तो इसमें 355.6mm के गोल्डन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो की काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। टायर्स इसमें 110/80 14 सेगमेंट के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। इसमें ग्लॉसी ग्रे फिनिशिंग के साथ फाइबर बॉडी का इसका मड गार्ड दिया गया है, जो कि इसमें मेटल का देना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्दी ये चले जाते हैं हल्का सा भी कहीं लड़ने पर एंड ज्यादातर स्कूटर्स में ये मेटल का ही देखने को मिलता है। इसके मीटर कंसोल की बात की जाए तो इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो ऑन होने पर कुछ ऐसा इंटरफेस देता है। इसके साइड में सारी इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती है, जैसे राइट साइड में यहाँ पर ABS की लाइट मिल जाती है, ऊपर में राइट इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर लेफ्ट इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। मीटर कंसोल के बॉटम में यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है, इसके साइड में RPM मीटर दिया गया है। इसमें एक डिजिटल क्लॉक भी दी गई है, ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर है, ना कि इनकी घड़ी या मोबाइल पर टाइम देखें। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पर TCS मीटर दिया गया है। मीटर कंसोल को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक मेन्यू बटन भी दिया गया, जिससे यहीं से इसके ट्रिप मीटर को रीसेट वगैरह कर सकते हैं। इसमें ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 मीटर वगैरह दिया गया है। इसमें कई सारे एक्सटर्नल फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि V-belt ट्रिप मीटर, ऑयल चेन ट्रिप मीटर एंड ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी भी इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर यमाहा का लोगो दिया गया है, जिसके नीचे इंडिकेशन लाइट्स मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर लो बीम हाई बीम की इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, यहाँ TCS या इंजन माल फंक्शन, यहाँ पर ABS की लाइट मिलती है। इसके स्विचेस की बात की जाए तो स्विचेस वही नॉर्मल से रखे गए हैं, जिसमें यहाँ पर लो बीम हाई बीम, यहाँ पर लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेशन, यहाँ पर सिंगल लाउड हॉर्न। राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर I3S का स्विच मिल जाता है, नीचे में हैजार्ड का स्विच मिल जाता है एंड उसके नीचे यहाँ पर आपको सिंगल सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। रियर व्यू के लिए इसमें कुछ इस तरीके के डिजाइन वाले मिरर्स यूज किए गए हैं। इसके की पॉइंट की बात की जाए तो इसमें काफी बेसिक सा मल्टी फंक्शन स्विच दिया गया है, जिसमें सब कुछ यहीं से हो जाता है, जैसे कि इसका इग्निशन यहीं से ऑन कर सकते हैं, पुश करके लॉक कर सकते हैं, यहीं से ऑफ ओपन ऑन का स्विच मिल जाता है। इसमें पुश शट का भी ऑप्शन दिया गया है, जो इसकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इन्हांस कर देता है। इसमें यहीं से इसको फ्यूल को ओपन कर सकते हैं, यहीं से इसके सीट को भी ओपन कर सकते हैं। इन दोनों को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसको बैक से यहाँ से अनलॉक करना होगा कुछ इस तरीके से, देन ये ऑफ पे रहेगी, इसको ओपन पे लाना होगा। याद रखिए, जब तक ये ओपन पे नहीं होगी तब तक फ्यूल एंड सीट ओपन नहीं होंगे। यहाँ इस बटन को पुश करने से इसका फ्यूल गेज ओपन हो जाएगा। इसमें 5.5 लीटर का टैंक दिया गया है, 8 लीटर का होता तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता। इसका फ्यूल टैंक पैरों के बिल्कुल सेंटर में रहने वाला है, जो कुछ लोगों को बिल्कुल अजीब लगेगा एंड कुछ लोगों को नया एंड इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो गाइस, इसमें अजीब लगने वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नया है, नई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टर्न्स एंड कट्स वगैरह
पर जो है काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, जैसे बाइक में मिलता है टर्न करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि आगे सिलेंडर नहीं आ सकता है, जो कि पीछे सीट पे भी रखा जा सकता है। इसमें 790 mm की हाइट के साथ सिंगल स्टेप सीट दी गई, जिसमें गुड क्वालिटी कुशन भी यूज किए गए हैं। इसका अंडर स्टोरेज भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है, जिसके साथ ही इसमें फर्स्ट एड किट एंड एक बुकलेट भी दी गई है। इसमें 24 लीटर का यहाँ पर अंडर स्टोरेज दिया गया है, जिसमें अगर कहीं ट्रिप वगैरह पर जाना चाहते हैं तो आप इसमें कपड़े वगैरह आराम से रख सकते हैं। हाफ हेलमेट भी इसमें आ जाएगा। बाकी डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें फुल हेलमेट नहीं आ सकता है। इसके सीट कॉल्स इसमें सिल्वर फिनिशिंग के साथ फाइबर बॉडी के दिए गए हैं, जिसके ऊपर में यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाता है ब्लैक कलर का। इसके ऊपर में 155 की ब्रांडिंग भी दी गई है। इसमें यहाँ पर भी ग्राफिक्स मिल जाते हैं ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के साथ। इसमें ये वाला पार्ट भी इसका फाइबर बॉडी का दिया गया है, जिसके ऊपर में पियानो ब्लैक फिनिश कलर मिलता है। इसमें यहाँ पर VVA की ब्रांडिंग दी गई है, जो कि इंजन को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। इसके नीचे में यहाँ पर एलियॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकरिंग फॉर्म में, जो कि ऑरेंज कलर से है, देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है ये। इसमें राइडर के कंफर्ट के लिए भी यहाँ पर फुटरेस्ट दिया गया है, जिसमें काफी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। इसके ऊपर में एक मैट भी दी गई है, जो कि नॉन रिमूवेबल है। एलियॉक्स 155 की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डायनेमिक लगती है। इसमें मेन स्टैंड भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ इसके साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। इसकी साइड स्टैंड जब तक लगी नहीं होगी तब तक ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होने वाली है। इसमें पिलियन के लिए फोल्डेबल फुटरेस्ट दिया गया है प्रीमियम क्वालिटी का। इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें 155 सीसी का ब्लू कोर LC4V SOHC FI इंजन विद VVA टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है, जिसकी पावर एंड टॉर्क की बात की जाए तो इसका मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15 PS एट 8000 RPM पर। इसकी टॉप स्पीड 120 km/h एंड ये 10 सेकंड में 80 की स्पीड तक पहुंच जाता है। वही अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क इसमें 13.9 न्यूटन मीटर का मिलता है एट 6500 RPM पर। अच्छा, RPM का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है कमेंट्स में? इसके माइलेज की बात की जाए तो कोई अगर इसको ढंग से चलाता है तो वो करीब 40 से 45 तक का माइलेज आराम से निकाल सकता है। इसके रियर में यूनिट स्विंग्स दिए गए हैं, जो नॉर्मल रोड पे काफी अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पर इसका साइड रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसके टायर्स की बात की जाए तो 140/70 सेगमेंट के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें 355.6 mm के गोल्डन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसके ब्रेक्स 20 मीटर के अंदर ही इसकी स्पीड को 60-0 ला देते हैं। इसके रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की रखी गई है, जिसपे यहाँ पर LED टेल लाइट मिल जाती है। इसके ऊपर में यहाँ का लोगो दिया गया है। इसकी टेल लाइट नाइट में जलने पर काफी तगड़ा व्यू देती है। इसके रियर में फुल्ली फ्लेक्सिबल हैलोजन बल्ब इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसमें हजार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें यहाँ पर एक लैंप दिया गया है, जिसके नीचे यहाँ इसकी नंबर प्लेट रहने वाली है एंड नीचे में यहाँ इसका बैक रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इसमें फुल्ली ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ काफी बल्की लुक में इसका एग्जॉस्ट दिया गया है, जिसके ऊपर में फाइबर बॉडी की हीट प्रोटेक्शन लेयर दी गई है। यह काफी थ्रॉटी साउंड प्रोड्यूस करता है। इसकी जो लेयर पे डिजाइंस दिए गए हैं, इसकी वजह से इसकी रियर प्रोफाइल और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर इसका रेडिएटर दिया गया है, जैसा कि ऑयल कूल्ड बाइक है, सो ये इसके इंजन को काफी हद तक ठंडा रखने में हेल्प करता है। यहाँ पर इसकी इंजन ऑयल फ्लिंग कैप दी गई है एंड इस इंजन के साथ काफी लंबे सफर भी तय किए जा सकते हैं। इसमें 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो कि नॉर्मल रोड्स पे तो वर्क करेगी, साथ ही साथ ये ऑफ रोडिंग में भी राइडर की काफी हेल्प करने वाली है। इसकी साइड प्रोफाइल इसमें कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो लखनऊ के ऑन रोड प्राइस करीब 1,77,000 रुपए के आसपास है एंड अगर कोई इसको फाइनेंस कराना चाहता है और इसका सिविल स्कोर भी काफी अच्छा है तो मिनिमम डाउन पेमेंट वो 40,000 से 45,000 रुपए दे करके इसको अपने घर ले जा सकता है। एंड आपको क्या लगता है फीचर को देखते हुए इसका प्राइस किस हद तक ठीक है? अगर प्राइसिंग इतना है तो माइलेज वगैरह कितना होना चाहिए था इसमें? थोड़ा बहुत इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोज की बात की जाए तो इस सेगमेंट में कोई भी स्कूटर इसको टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इंजन रिफाइनमेंट काफी तगड़ा है। इसमें 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, जो कि R15 में आता है। लिक्विड कूल होने की वजह से इसे 400-500 km आराम से तय किए जा सकते हैं। इंजन भी बहुत कम हीट होगा। बाकी ये स्कूटर टक्कर देता है BMW जैसे स्कूटर्स को, जो कि इससे 5 गुना ज्यादा कॉस्टली है। अब इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें 5.5 लीटर का टैंक दिया गया है, जो 30 के माइलेज के हिसाब से काफी ज्यादा कम है एंड इसके ऊपर जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो भी काफी ज्यादा चीप है। सो मिनिमम कम से कम 8 लीटर का टैंक तो देना ही चाहिए था। बाकी ये टैंक सेंटर में है, सो जिन लोगों ने कभी स्कूटी राइड नहीं की होगी उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बाकी इसमें पीलियन के कंफर्ट का भी ध्यान नहीं रखा गया है। पीछे की सीट काफी ज्यादा ऊपर कर दी गई है एंड काफी ज्यादा पतली है एंड यहाँ पर पकड़ने के लिए भी ग्रिप वगैरह कुछ नहीं दी गई है। कुछ राइडर्स को फ्रंट फुटरेस्ट भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पर स्पेस कम लगने वाली है एंड नई चीज है, बिल्कुल टैंक बीच में आ जाता है। एंड बाकी मैंने कई रिव्यूज वगैरह भी देखे तो वहां पर मीटर सेटिंग में भी ग्लिच वगैरह देखने के इश्यूज सामने आए। बाकी इस स्कूटर
स्कूटर में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। सो ये था यमहा एरियोक्स का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक अच्छी खासी जानकारी पहुंचा दी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो आपका एक इंपॉर्टेंट लाइक तो इस पे बनता है। बाकी अगर बाइक एक्सपर्ट बनना हो तो भाई के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इस तरह की न्यू बाइक रिव्यू वीडियोस लाता रहता हूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड।